हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता नायर होममेड फूड रेसिपी से आज आपके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ। गर्मियों में जैसे आम आते हैं तो उसकी मैं बहुत अच्छी एक रेसिपी लेकर आई हूँ, मैंगो करी। ये केरल की रेसिपी है, केरल में बनाई जाती है ये सब्जी। ये मैंने अपनी मम्मी से सीखी है, तो मैं अपनी चाइल्डहुड मेमोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आम तो सबको ही पसंद आते हैं, तो इस आम को किस तरह से और हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। इसके लिए हमें चाहिए ये बड़ा रो मैंगो, पका हुआ मैंगो। उसके लिए हमें चाहिए नमक, हल्दी, लाल मिर्ची, नारियल, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, राई और बड़ी दो लाल मिर्ची और जीरा और दही चाहिए। इसके लिए दही अच्छे से फेंट के रखा हुआ है मैंने, क्योंकि हम दही का इस्तेमाल करते थे, दही फटना नहीं चाहिए इस घर में। तो मैं आपको आज इसकी रेसिपी दिखाती हूँ कैसे बनाया जाता है। इसको आम को आपको छील के रखना है। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आम को पहले छील के पानी रख लिया था। इसमें आपको सिर्फ थोड़ा सा पानी डालना है, आधा टेबल स्पून मिर्ची पाउडर, आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार मैं एक चम्मच ले रही हूँ। आप जितना नमक खाते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। जब तक ये पक रहा है तब तक हम नारियल, हरी मिर्ची और जीरा का पेस्ट बना लेते हैं। इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। इसको कम से कम हमें 15 से 20 मिनट तक इसे बॉईल होने देना है। मेरा नारियल का पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम इसको और मेरा ये आम भी देखो पक के अच्छे से तैयार हो गया है। अगर आप आम को बहुत अच्छे से पकाना चाहते हैं तो आप इसको कुकर में एक सीटी दे दें बनाने से पहले, तो उससे क्या है आपके आम बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा और इसमें थोड़ा टाइम भी कम लगता है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कोकोनट पेस्ट जो हमने अभी बनाया है। अब हम इसे अच्छे से कुक होने देंगे कम से कम 15 मिनट्स तक, ताकि ये अपना सारा फ्लेवर इसमें छोड़ दे। और ये अच्छे से 15 मिनट तक इसे हम कुक होने देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे दही। दही को अच्छे से आपको फेंटना है, ताकि वो जब हम इस करी में डालें तो गर्माहट के कारण फट ना जाए। इसलिए दही आप पहले अच्छे से उसको फेंट ले। तो फेंटने से क्या होगा, वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और वो गरम करी में जाके फटेगा नहीं। देखिए मेरी करी कितनी अच्छी लग रही है, आप भी इसको बना सकते हैं। देखिए ये रेसिपी मैंने अपनी मम्मी से सीखी थी, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आप इसमें डालेंगे दही और ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। ये खट्टी मीठी लगती है। अगर कोई कोई आम मीठे नहीं आते तो आप इसमें थोड़ा सा चीनी भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने रॉ मैंगो लिया है जो बहुत मीठा था, मुझे शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बट आप इसको अगर बनाएंगे, और ये जल्दी भी बन जाती है सब्ज़ी, तो ये बहुत टेस्टी लगती है राइस और चपाती के साथ खाने में। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अब इसको हम दही डालने के बाद इसको थोड़े फिर से हम इसे 5 मिनट तक कुक होने देंगे। अब जब तक ये कुक हो रहा है तो हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के में तड़का मैंने आपको पहले दिखाया था, जिसमें हमें चाहिए राई, दो बड़ी लाल मिर्ची और कड़ी पत्ता। वैसे तो तड़का नारियल के तेल से ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे पहले राई, थोड़ी सी लाल मिर्ची, वैसे कोशिश करिएगा कि आप इसको नारियल के तेल में ही तड़का दें, क्योंकि नारियल के तेल में क्या है इसका स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप इसको नारियल के तेल से ही तड़का दें। मेरे पास नहीं था तो मैंने इसमें रिफाइंड, जो नारियल का तेल खाना पसंद नहीं करते आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। रिफाइंड से भी वैसे ही टेस्ट आता है जैसे उस नारियल के तेल से आता है, बट ये साउथ इंडियन करी है सो नारियल का तेल बहुत ज़रूरी होता है इस करी में। ये मेरी करी बनके एकदम तैयार हो चुकी है। इसको आप राइस के साथ या रोटी के साथ सर्व करें, ये बहुत अच्छा लगता है गर्मियों के सीज़न में खाने में, थोड़ा खट्टा मीठा सा स्वाद होता है। आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और ऐसी ही नई रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। ऐसी ही मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।